हेलो दोस्त, डीएमआरसी रिजल्ट 2018 का है। तो मेमचंद जी पूछते हैं, सर 15 जून कभी के निकल गई मेंटेनर का रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। तो देखिए दोस्त, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि 15 जून तक रिजल्ट आना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो आज 22 तारीख है और डीएमआरसी रिजल्ट फॉर जेई इलेक्ट्रिकल फॉर रेगुलर पोस्ट के लिए आ चुका है। इसमें मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए 192 पोस्टों के लिए इन्होंने कॉल किया है। इसमें वीडियो में और आगे बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्या है, पैन कार्ड आधार कार्ड क्यों मांगा गया है, और साथ में करेक्टर और आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट इस बार पहली बार मांगा गया है, तो इसको भी देखिएगा। इस वीडियो में आगे बताते हैं। भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब करें। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो 2/7/18 को 64 लोगों को बुलाया, 3/7/18 को 64 लोगों को बुलाया है और 4/7/18 को 64 लोगों को बुलाया गया है। इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग है 9 बजे और स्थान है डीएमआरसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शास्त्री पार्क दिल्ली 53। इसका लोकेशन में नियर में है आईएसबीटी कश्मीरी गेट बस अड्डा और जमुना ब्रिज पे। इसके बाद इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, लेकिन A3 से बिलो नहीं होना चाहिए। साथ में इसमें डॉक्यूमेंट के लिए बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो पहले सभी में लग रहे थे, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, डिप्लोमा और डिग्री है वो लेके आपको आना है, साथ में फोटो कॉपी सारे के लाने हैं जिसमें सेल्फ वेरीफाई हो। ओबीसी एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में पासपोर्ट साइज 5 से 6 जरूर ले लीजिएगा। साथ में आपको इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड की कॉपी, ये भी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद लास्ट में एक करेक्टर और आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट ये भी जरूरत है। तो इतनी डॉक्यूमेंट साथ में इसके फोटो कॉपी जरूर रखिएगा। और 4 से 5 दिन मेडिकल का टाइम दिखा गया है कि 4 से 5 दिन नॉर्मल मेडिकल में आपको टाइम लग सकता है, तो दिल्ली में स्टे करने के लिए आपको करना चाहिए। तो उम्मीद है कि इसी तरह सारा एक एक के बाद सारे रिजल्ट आते रहेंगे। और लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि आ सकता है, लोगों ने उसको ओरिजिनल समझ लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का अपना व्यू होता है और एज पर रिक्वायरमेंट सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या रिजल्ट जो भी होती है रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है। तो प्लीज एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा नहीं रखें। धन्यवाद।